देखिए जनाब, आज हैं हम कराची में गेस्ट हाउस के सिलसिले में। आज हम आपको बताएंगे द लॉज इन गेस्ट हाउस कराची। तो शाराए फैसल फारान होटल के करीब यासीन सुलेमानी स्ट्रीट में आप जब आते हैं तो बहुत सारे गेस्ट हाउस आपको नज़र आते हैं। उनमें एक गेस्ट हाउस है द लॉज इन गेस्ट हाउस। जब आप डीएमसी जोन में दाखिल होते हैं तो 11 ई ब्लॉक 6 में PECHS शाराए फैसल कराची में आपको एक गेस्ट हाउस नज़र आता है द लॉज इन। इस गेस्ट हाउस में आपको बेहतरीन रूम सर्विस, फैमिली रूम, फ्री वाईफाई, CCTV कैमरा, कॉमन एरिया, नो स्मोकिंग रूम, सिक्योर कार पार्किंग, 24 घंटे सिक्योरिटी आपको मुहैया होती है। लॉबिंग हॉल, कुशादा डिलेक्स रूम, सोफे, LED नॉन स्टाफ AC, वो तमाम सहूलियात जो आप चाहते हैं इस गेस्ट हाउस में मुयस्सर होती हैं। हवादार, कुशादा और साफ सुथरे वॉशरूम। बेहतरीन डिलेक्स लग्जरी रूम। रूम की चार्जिंग भी मुनासिब अफोर्डेबल होती है। तमाम रूम वेल डेकोरेट और कुशादा है। मुसाफत के थके हारे आप जब इस गेस्ट हाउस में आते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं और खुद को फ्रेश और पुरसुकून महसूस करते हैं। चौबीस घंटे बिजली ऑन रहती है, इसलिए गर्मी आपको ज़र्ब नहीं लगाती, आप सुकून की नींद सोते हैं। साउंड प्रूफ रूम। गली से गुजरने वाली गाड़ियों का शोर सुनाई नहीं देता। इस गेस्ट हाउस में ऑनलाइन आप खाने पीने की चीज़ें भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और कराची के तफरी मकामात की सैर करना चाहते हैं तो
तो रेंट ए कार आपको सहूलत भी हासिल है। द लॉज इन गेस्ट हाउस में आपको घर जैसा माहौल मिलता है। द लॉज इन गेस्ट हाउस की लॉबी कराची के तफरीह मकामात की खूबसूरत तस्वीर से सजाई गई है। द लॉज इन गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी कर सकते हैं। आपकी तमाम पसंदीदा डिशेस आपको ऑर्डर पर सर्व की जाती हैं। इस गेस्ट हाउस में आपको इंतहाई पुरसकून माहौल मयसर होता है। द लॉज इन गेस्ट हाउस शारा फैसल ब्लॉक 6 E11 में बेहतरीन लोकेशन पर है। सिक्योरिटी गार्ड के साथ कवर्ड कार पार्किंग, बाहर यासीन सुलेमान स्ट्रीट से 40 कदम आगे मेन शारा फैसल पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती हैं। द लॉज इन गेस्ट हाउस के करीब शॉपिंग मॉल, बेकरीज, जनरल स्टोर्स, KFC ब्रांड, तमाम बैंक्स, ATM, ट्रांसपोर्ट, फूड स्ट्रीट जहां पर हर किस्म के खाने, बारबेक्यू, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफिसेज भी मौजूद हैं। रात होते ही सब शांत हो जाता है। नीली पीली हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ने लगती है।
शाम होते ही गेस्ट हाउस हल्की रोशनियों से रोशन हो जाता है और रोमानवी मंजर पेश करता है। आपकी गाड़ियां कवर्ड एरिया में सिक्योर खड़ी रहती हैं। आने जाने की आप पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। आप रात को जिस वक्त भी आते हैं आपको वेलकम कहा जाता है। इस गेस्ट हाउस के सेकेंड फ्लोर पर भी आपको फैमिली रूम, रिलैक्स रूम और स्टैंडर्ड रूम मिल सकते हैं। सेकेंड फ्लोर से आप कराची का नजारा कर सकते हैं। द लॉज इन गेस्ट हाउस का कवर्ड एरिया इतना है कि रात का खाना खाने के बाद आप वॉक भी कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता हो, लंच, डिनर या शाम की चाय, रूम सर्विस बेहतरीन है।